हाय देयर, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वर्डप्रेस में टॉप थीम्स कौन से हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस में टॉप पेज बिल्डर्स कौन कौन से हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जिस पेज बिल्डर के मुताबिक हम बात करेंगे, आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा, देवी पेज बिल्डर। अगर आप एक वर्डप्रेस डेवलपर बनना चाहते हैं तो जो सबसे पहला पेज बिल्डर मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो देवी पेज बिल्डर। ये एक बहुत ही इजी ड्रैग टू ड्रॉप पेज बिल्डर है। आप डेमो में देख भी सकते हैं कि ये यहाँ पे उसने ड्रैग किया और आप देख सकते हैं कि चेंजेस जो हो रहे हैं वो लाइव चेंजेस हो रहे हैं। नंबर टू पे हमारे पास आ गया अवादा का फिशन बिल्डर। ये भी लाइव ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है। फिशन बिल्डर में भी आप लाइव चेंजेस सारी कर सकते हैं। नंबर थ्री पे हमारे पास है विजुअल कंपोजर। ये भी पहले दोनों थीमों की तरह ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है और इसमें भी आप लाइव एडिटिंग कर सकते हैं। ये तीनों बिल्डर्स, देवी बिल्डर, फिजन बिल्डर और विजुअल कंपोजर बिल्डर, ये तीनों बिल्डर पेड बिल्डर हैं। इसके बाद नेक्स्ट जिन बिल्डर्स पे मैं बात करूंगा उनका फ्री वर्जन भी हमारे पास अवेलेबल है और उनका पेड वर्जन भी हमारे पास अवेलेबल है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्लगइन है वो है एलिमेंटर। अगर आप एक वर्डप्रेस बिगनर हैं तो मैं आपको जो पेज बिल्डर रिकमेंड करूंगा वो एलिमेंटर बिल्डर होगा, क्योंकि इसका फ्री वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। आप इसको फ्री किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, सिंपली आप अपनी वेबसाइट में आएंगे, उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद आप प्लगइन्स में आएंगे और एड न्यू पे क्लिक कर देंगे। एड न्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे एलिमेंटर। जैसे ही आप एलिमेंटर सर्च करेंगे जो फर्स्ट थीम होगा वो एलिमेंटर पेज बिल्डर होगा। तो आप इसको फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। उसके बाद नंबर फाइव पे जो हमारे पास आता है वो है बेवर थीम। इसका भी हमारे पास फ्री वर्जन भी अवेलेबल है और पेड वर्जन भी अवेलेबल है। तो एलिमेंटर के बाद जो सेकंड, अगर आप एक वर्डप्रेस बिगनर है तो जो सेकंड पेज बिल्डर मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो बेवर थीम होगा। और अगर आप पेड पेज बिल्डर यूज करना चाहते हैं तो जो पेज बिल्डर मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो होगा देवी बिल्डर, उसके बाद फ्यूजन और उसके बाद विजुअल कंपोजर। फ्री बिल्डर्स में हमारे पास जो नंबर टू पे आएगा वो है बेवर बिल्डर। तो आप इसको किस तरह यूज कर सकते हैं, इसका फ्री वर्जन आप सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कर लें इसके नाम को, और इसी तरह जिस तरह हमने एलिमेंटर को सर्च किया यहाँ पे आके बेवर बिल्डर को सर्च करें तो जो फर्स्ट सर्च रिजल्ट होगा वो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला। आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। एलिमेंटर को आपको रेफर करने का मेरा क्या मकसद था, क्योंकि एलिमेंटर अगर आप सर्च करते हैं तो जैसे कि आपने देखा कि हमने जब एलिमेंटर सर्च किया था तो आप देख सकते हैं फर्स्ट हमारे पास एलिमेंटर पेज बिल्डर इटसेल्फ था और उसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा एड ऑन्स भी हैं। मतलब पेज बिल्डर तो हमें कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी पेज बिल्डर के थ्रू आ जाती है और उसके बाद अगर हम ये एड ऑन्स इंस्टॉल कर दें तो हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी आ जाती है। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें मैंने एलिमेंटर बिल्डर को यूज़ करके बताया हुआ है कि आप इसको यूज़ किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद नंबर थ्री पे जो हमारे पास आता है वो है थीमीफाई बिल्डर। इसका भी हमारे पास पेड और फ्री वर्जन अवेलेबल है। आप सिंपल इसको थीमीफाई बिल्डर को यहाँ से कॉपी कर रहे हो और यहाँ पे आके पेस्ट करें और जो फर्स्ट सर्च रिजल्ट आएगा वो आप देख सकते हैं कि थीमीफाई बिल्डर आ गया और ये बाय थीमीफाई है। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आता है वो है पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन। ये भी एक काफी अच्छा पेज बिल्डर है। तरह आप यहाँ पे आके इसको सर्च करेंगे तो जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा वो होगा पेज बिल्डर बाय साइट ओरिजिन। लास्ट में जो हमारे पास फ्री पेज बिल्डर आता है वो है WP पेज बिल्डर। ये भी ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर है और इसका भी फ्री वर्जन अवेलेबल है। यहाँ से आप इसके नाम को कॉपी कर लेंगे और एड न्यू प्लगइन में आके पेस्ट करें, उसके बाद आप स्क्रॉल अप करेंगे और ये रहा WP पेज बिल्डर, ये वाला फ्री पेज बिल्डर आपके पास अवेलेबल है। तो ये कुछ पेज बिल्डर्स हैं जो आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।